अगर आपके पास भी रियलमी एंड्रॉयड स्मार्टफोन है और वो रियलमी एंड्रॉयड स्मार्टफोन आपसे कुछ इस प्रकार बाय मिस्टेक या आपके फैमिली से किसी भी से और फ़ोन आपका लॉक हो जाता है, आप अपना पासवर्ड को, पैटर्न को, पिन को लगाकर भूल जाते हो फ्रेंड, तो आपका फ़ोन इस प्रकार लॉक हो जाता है और अनलॉक नहीं होता है, तब जाकर आपने इस वीडियो को ओपन किया है। फ्रेंड स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पर और स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड आप लोग कैसे हो? फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। फ्रेंड जैसा कि आप लोगों ने हमारा थंबनेल को देखकर इस वीडियो को ओपन किया और हमने अपना थंबनेल में साफ साफ लिखा है फ्रेंड रियलमी मोबाइल का लॉक कैसे तोड़ें, तो अगर आप भी रियलमी एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज करते हो, न्यू मॉडल है, ओल्ड मॉडल है, न्यू फ़ोन है, पुराना ओल्ड फ़ोन है, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड, अगर वो फ़ोन लॉक हो चुका है, अनलॉक नहीं हो रहा है, तो आप इस सिचुएशन में जब आपका फ़ोन लॉक हो जाता है और अनलॉक नहीं होता है तो आप लोग डायरेक्ट अपने फ़ोन को सर्विस सेंटर या रिपेयर मोबाइल दुकानदार के पास लेकर जाते हो, दोनों जगह आपका फ़ोन अनलॉक मिलेगा, लेकिन आपको पैसा, समय, डाटा ये तीनों देना पड़ेगा। पैसा, समय और डाटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फ़ोन का डाटा जो हम अपने फ़ोन में रखते हैं, फैमिली फ़ोटो है, ऑडियो है, वीडियो है, जिस कंपनी में हम वर्क करते हैं उस कंपनी का डॉक्यूमेंट है, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, बहुत सा ऐसा इंपॉर्टेंट होता है जो हम अपने फ़ोन में रखते हैं। पैसा और समय लेने के बावजूद भी सर्विस सेंटर वाले टोटल का टोटल डाटा डिलीट कर देते हैं, फ़ोन तो अनलॉक कर देते हैं नो डाउट, लेकिन इंपॉर्टेंट जो डाटा होता है वो डाटा वो लोग डिलीट कर देते हैं फ्रेंड। और आप इस वीडियो को ओपन किए हो तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 2024 का लेटेस्ट मेथड बताएंगे, जिस मेथड से आप भी अपना Realme मोबाइल का लॉक तोड़ सकते हो, चाहे वो पासवर्ड हो या पैटर्न हो या पिन हो, कोई भी लॉक हो Realme मोबाइल का, इस मेथड को फॉलो कीजिए, आपका भी Realme मोबाइल अनलॉक मिलेगा, वो भी विदाउट डाटा लॉस मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि बिना सर्विस सेंटर गए, बिना डाटा लॉस किए, बिना कंप्यूटर लैपटॉप के, बिना इंटरनेट कनेक्शन के आप भी अपना मोबाइल का लॉक तोड़ना चाहते हो फ्रेंड, तो आप बिल्कुल सही वीडियो को ओपन किए हो। तो आइए फ्रेंड मैं बिना टाइम लिए ही इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर आप लोग भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसा वीडियो मैं बनाता रहूं और वो डायरेक्ट आप लोग के पास पहुंचता रहेगा। फ्रेंड सबसे पहला वर्क जब आप अपने स्क्रीन के ऊपर स्वीप अप करोगे, यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा इंटर पासवर्ड का, जो आपको अपना पासवर्ड याद नहीं है तब जाकर आपका फ़ोन लॉक हुआ है। तो फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हो कहीं भी वर्क करने का कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे आप अपना पासवर्ड दोगे जो गलत होगा, बार बार ट्राई करोगे सेकेंड शो करेगा, मिनट शो करेगा, आपका फ़ोन धीरे धीरे डेड होता चला जाएगा। जब आप स्वीप अप करना फ्रेंड आपको नीचे सिंगल ऑप्शन दिखेगा इमरजेंसी कॉल, फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन, आप इमरजेंसी कॉल पे क्लिक कर लेना। जब आप इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक न्यू डायलेट का ओपन होगा फ्रेंड। इस न्यू डायलेट में सबसे पहले एक कोड का आपको इस्तेमाल करना है, जो कोड हम आपको दे रहे हैं, ये कोड को आपको अपने फ़ोन में डायल करना है और इस कोड को 3 टाइम कॉल करना है। इस कोड का नाम है फारपी कोड भी होता है। इस कोड को आपको अपने फ़ोन में 3 टाइम कॉल करना है, ओनली 3 टाइम। कैसे करना है फ्रेंड ये भी हम आपको बताएंगे। जब कॉल पे क्लिक कीजिएगा, कॉल फेल्ड द नंबर इज नॉट एन इमरजेंसी नंबर का मैसेज आएगा आपके ही फ़ोन में, आप उसको ओके कर देना, ये आपका 1 टाइम कॉल कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार 2 एंड देन 3, 3 टाइम कॉल करने के बाद इस कोड को आप लोग डायरेक्ट हटा देना। जो जो कोड हम देंगे फ्रेंड वो सारा कोड इंपॉर्टेंट होगा इस वीडियो में। अब आपको *#8999 और हैज पे क्लिक करना है। जब आप *#8999 पे क्लिक करोगे आपके सामने भी एक इंजीनियर मोड नाम का पेज खुलेगा, जिस पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको 4th नंबर ऑप्शन के नीचे सॉफ्टवेयर वर्जन दिख रहा है वहाँ पर आप क्लिक करना सिंपल तरीके से। 2nd नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा एंड्रॉयड वर्जन 11, तो हम 11 टाइम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपके फ़ोन में 7 है 6 है 10 है 11 है 12 है तो आप उतना टाइम वहाँ पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे 11 है तो हम 11 टाइम क्लिक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन 11। जब आपका 11 टाइम क्लिक कंप्लीट हो जाएगा इंटर, तो आप उसको बैक कर सकते हो। ऊपर आपको जस्ट मैनुअल टेस्ट दिखेगा 4 नंबर पे, जस्ट ऊपर आप फर्स्ट पेज छोड़ के सेकेंड पेज पे आना और सबसे पहले आप जायरोस्कोप सर्च करना फ्रेंड कि जायरोस्कोप है कहाँ। थोड़ा नीचे आओगे तो आपको दिखेगा जी सेंसर के नीचे जायरोस्कोप, आप भी देख सकते हो, आप जायरोस्कोप पे क्लिक कर देना। 2nd नंबर ऑप्शन जो है जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट का, ये टेस्ट आपको देना है फ्रेंड, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट होगा आपका।
यहाँ पे बस सिंपल तरीके से क्लिक कर लेना, आपका रिजल्ट शो करेगा। बहुत सारे फ़ोन में स्टार्ट करने का ऑप्शन देगा, क्लिक करने के बाद तो आप स्टार्ट करके अपना रिजल्ट शो करना, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट करने का ऑप्शन है या नहीं वो हमें क्लिक करने के बाद पता चलेगा। तो हम जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट पे क्लिक करते हैं और ये टेस्ट देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड कि ये टेस्ट हमारा फर्स्ट टाइम में ही पास आया है, और जब तक आपका भी ये पास नहीं शो करेगा तब तक आप इस पेज से वापस मत जाना फ्रेंड। तो अब हम इसको बैक कर लेंगे। नीचे 3 नंबर ऑप्शन पे आपको डाटा डिस्प्ले दिख रहा है, जहाँ पे हम आपको बताएंगे डाटा रिकवर कैसे होता है, जो सर्विस सेंटर वाले आपसे पैसा समय लेने के बावजूद भी आपको नहीं करके देते हैं। तो फ्रेंड 3 नंबर ऑप्शन डाटा डिस्प्ले पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक करना है, और आप देखोगे एक्स वाई जेड नीचे की ओर बहुत तेज़ी से इंक्रीज करता हुआ आ रहा है। जिस रियलमी फ़ोन में ये 30 तक बिना रुके हुए इंक्रीज करता है, तो आपका टोटल का टोटल ये डाटा ही रिकवर कर रहा है फ्रेंड। तो इसको 30 तक आने दीजिए, 30 प्लस हो चुका है। अब मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि आपके फ़ोन का डाटा रिकवर हुआ है, जो मैं वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगा। अब आपको चले जाना है सबसे लास्ट पेज पे, जिसका नाम होगा अदर्स। अदर्स पे आने के बाद रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉक टेस्ट है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फर्स्ट टाइम में कैंसिल कर देना है, सेकेंड टाइम में ओके करना है। अगर आपके भी स्क्रीन पर ये रॉन्ग पासवर्ड शो करेगा तो आप चिंता मत करना, क्योंकि ये रॉन्ग पासवर्ड शो कर रहा है इसलिए ताकि आपका पासवर्ड रिसेट होना स्टार्ट हो चुका है। 3 नंबर ऑप्शन पे है की स्टेटस, बोले तो लॉक बोले तो चाबी। की स्टेटस पे क्लिक करके आपको बस चेक करना है यहाँ पे पास है या फेल। हमने क्लिक किया, आप देख सकते हो जितना भी की है वो सब पास 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 शो कर रहा है फ्रेंड। इसका मतलब ये होता है मेरे वर्क के अनुसार ऑटोमेटिकली तरीके से अब आपका पासवर्ड हो या पैटर्न हो या पिन हो वो टूट चुका है, इसीलिए यहाँ पास 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 शो कर रहा है। लास्ट वर्क आपको करना है रीडिंग रीसेट कंप्लीट इंडिकेटर, अभी तक मैंने जो भी वर्क किया है वो सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, यहाँ पे आपको वो रिजल्ट शो करेगा। अगर रीडिंग रीसेट कंप्लीट इंडिकेटर भी आपका पास शो करता है फ्रेंड, तो नीचे होम बटन है, आपके फ़ोन में स्वीपअप का सेटिंग ऑन करके रखे हो तो आप स्वीपअप भी कर सकते हो। तो पहले यहाँ पर क्लिक कर लेना और चेक करना यहाँ पास है कि नहीं। तो हम रीडिंग रीसेट कंप्लीट इंडिकेटर पे क्लिक करते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ भी हमारा पास आया है। तो एक बार इसको बैक कर लेना, पेज पे आ जाना आप, उसके बाद होम बटन है, होम बटन पे क्लिक करना, आपका भी फ़ोन इसी प्रकार अनलॉक मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये फ़ोन अनलॉक हो चुका है, वो भी विदाउट डाटा लॉस हो चुका है फ्रेंड। आप देख सकते हो एक भी डाटा आपका डिलीट नहीं हुआ है। अगर आप सर्विस सेंटर जाते आपका पैसा लगता, समय लगता और ये डाटा भी लग जाता, अब आपसे ना तो पासवर्ड ना तो पैटर्न ना तो पिन कोई पूछेगा, आप डायरेक्ट 10 मिनट के अंदर आप अपना पासवर्ड पैटर्न पिन नया लगा सकते हो फ्रेंड। तो ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।